So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good morning to all of you. So today I will discuss the a new topic in the pipe flow, that is water hammer in the pipe. So in water hammer, I will discuss the how to compute the how to decide whether the when the valve is suddenly closed or open, or then I will derive the expression of the pressure. So let us discuss what is a water hammer. Water hammer. So water hammer, what is water hammer in pipe flow? So let us assume this is our pipe, this is our reservoir. Reservoir is attached with the pipe. This is the head, H. This is the thickness of pipe wall. And this is called ball. So kya hota hai ki when a water flowing with a velocity V, when water is flowing with a velocity V, or jaise flow kar raha hai water, सडनली हमने क्या किया, इस वॉल्व को क्लोज कर दिया है. जैसे हमने यहाँ पे वॉल्व को क्लोज किया है, सो यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है वाटर का, वो हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया है. जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक आपका जो यहाँ पे जो जो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो प्रेशर वेव जो है वो इतने स्पीड से बैकवर्ड होगा, स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड से आपका बैकवर्ड होगा. तो यहाँ पे आपका एक नॉइज आपको सुनाई देगा, जिसे बोला जाता है वाटर हैमर या नॉकिंग. जैसे हमने वॉल्व को क्लोज किया है, तो अगर हम लोग लिखें यहां पे कि व्हेन ए फ्लो इज टेकिंग प्लेस विथ वेलोसिटी वी, यहां की वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी है. और ये जो लेंथ ऑफ द पाइप है, इसको अगर हम लोग बोले एल, और डी जो है वो डायमीटर, और यहाँ जो टी जो है वो थिकनेस ऑफ पाइप वॉल है, स्मॉल टी. तो व्हेन वॉल्व इज सडनली क्लोज्ड क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड विल बी डिस्ट्रॉयड. और उसके वजह से क्या होगा कि एक ड्यू टू द डिस्टर्ब इन द मोमेंटम क्या होगा कि एक प्रेशर वेव विल जनरेट. प्रेशर वेव कुछ इस तरह जनरेट होगा, यहाँ पे इस तरह बैकवर्ड जो जाएगा, प्रेशर वेव जो है वो जनरेट होगा. प्रेशर वेव विल जनरेट विच मूव with the speed of sound. और यहाँ पे जो होगा हमारा जो होगा जो जैसे स्पीड ऑफ साउंड से, तो एक आवाज एक आपको साउंड प्रोड्यूस होगा. साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड that is called water hammer, या इसको दूसरा भी फिनोमेना बोला जाता है, और knocking भी बोला जाता है, knocking. Okay, so यहाँ पे जैसे हम लोग suddenly close करेंगे, तो क्या होगा कि एक वेव जनरेट होगा, जिसकी स्पीड जो होगी वो साउंड के स्पीड के इक्वल होगा. तो जैसे आप suddenly close करोगे, तो there is a chances of, क्या चांस रहेगा, चांसेस ऑफ बस्टिंग ऑफ पाइप.
आप जैसे सडनली क्लोज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपका वाल्व दिया रहता है पाइप के नेटवर्क में, हमें जो है वाटर के फ्लो को या तो कंट्रोल करना है या सडनली हमें बंद करना है। आप केमिकल प्लांट्स में देखोगे या पाइप गैस पाइपलाइन में देखोगे या सब जगह तो इस तरह के वाल्व आपको दिखेंगे। तो जैसे सडनली क्लोज किया जाता है तो अगर पाइप के मटेरियल को अगर सही से डिजाइन नहीं किया गया है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ बस्टिंग होने के चांसेस है। देखो यहाँ पर देखा कि हमने वाटर हैमर की वजह से देखा है कि क्या होता है, आपका बस्ट हो गया है पाइप यहाँ पे भी, सो ये बस्टिंग ऑफ पाइप, यहां भी आपका बस्टिंग ऑफ पाइप ड्यू टू वाटर हैमर। सो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर जो है आपका प्रेशर जो यहां पे जनरेट होगा, प्रेशर विल डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, आपका लेंथ ऑफ द पाइप, दूसरा किस पे बताइए और किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पाइप, उसी तरह वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तीसरा क्या है मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप और किस पे डिपेंड करेगा बोलिए, टाइम ऑफ क्लोजर, कितना टाइम में हम इसको बंद किए हैं, टाइम ऑफ क्लोजर। मटेरियल प्रॉपर्टी में जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात की जाए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब कि इसका यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, सारे चीज पे हमारा जो है ये प्रेशर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे जो है कि ये सारे चीज पे हमारा कितने हमने टाइम में क्लोज किया इस वाल्व को, वेदर वाल्व इज क्लोज ग्रेजुअली धीरे धीरे बंद किया गया है और वेदर वाल्व इज क्लोज सडनली बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो है वो उसके प्रेशर वेव का हम लोग इक्वेशन देखेंगे। तो वाटर हैमर प्रेशर लगेगा कितना, तो जो होगा हमारे पास यहाँ पे जैसे मैं मान लो कि let capital T बी द टाइम टू क्लोज द वाल्व, हमने कैपिटल टी बोला कि इतना टाइम लगा है वाल्व को क्लोज होने में, और यहीं पे एक टाइम होता है जिसका साइकिल टीसी जो है टीसी बी द क्रिटिकल टाइम होता है जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा वेदर फ्लो इज सडन हुआ है, सडन क्लोजर हुआ है या ग्रेजुअल क्लोजर हुआ है। तो यहां पे दो कंडीशन है, केस फर्स्ट व्हेन जो टी जो है वो अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल टाइम से कम हो गई देन वाल्व इज क्लोज्ड सडनली, और सडन क्लोजर भी बोलते हैं इसको, सडन क्लोजर। और ये क्रिटिकल टाइम का एक्सप्रेशन जो होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई सी, इस चीज को याद रखिएगा आप। एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ पाइप और सी क्या है हमारा, सी क्या है Velocity. जो आपका जो है साउंड का स्पीड है वो हमारा है, तो यहाँ पे जो है हमारा 2L by C। अगर ये वैल्यू अगर दूसरा केस अगर देखा जाए, केस टू, when T is greater than TC, then valve is closed slowly आपको क्लोज किया गया है, और इसे बोलेंगे ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व। सो दो केस है। अब इसमें जो पाइप की मैंने बोला कि प्रॉपर्टी जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो जनरली जो हम लोग जो पाइप को यूज करेंगे, पाइप का जो मटेरियल जो यूज करेंगे, वेदर पाइप इज रिजिड और वेदर पाइप इज इलास्टिक, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेजुअल क्लोजर की बात कर ले अगर, सो केस फर्स्ट अगर हम लोग देखें, केस फर्स्ट या इसी को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या देखें, ग्रेजुअल क्लोजर या स्लोली वाल्व को जो है वो क्लोज किया गया है, ग्रेजुअल क्लोजर। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि टी की वैल्यू जो होगी वो किससे ज्यादा हो जाएगी, क्रिटिकल टाइम से। अब जैसे यहाँ पे हमने बनाया है तो ग्रेजुअल क्लोजर होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग बनाए पाइप एक, तो यहीं पे हमने वाल्व लगाया है,
let us assume that this is our ball. ओके और ये हमारा जो है वेलोसिटी जो है वो बी है और यहाँ इसकी लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो एल है और कैपिटल डी जो है वो डायमीटर है। तो यहाँ पे सारा चीज पहले लिख ले, लेट लेट कैपिटल बी बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, कैपिटल टी इज द डायमीटर ऑफ diameter of pipe, capital A is the cross sectional area of pipe, और फिर T जो है वो thickness, of pipe wall, L जो है वो आपका क्या है length of, pipe। So, यहाँ पे जैसे हमने ग्रेजुअली क्लोज किया है, ग्रेजुअली क्लोज किया मतलब क्या किया, हमने फ्लो के वेलोसिटी को रिटार्ड करना स्टार्ट किया, तो वेलोसिटी हमारा रिटार्ड होता गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका कि जो जो आपका जो मोमेंटम जो चेंज होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा जो होगा चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे जो होगा या इसको इस तरह लिखा जाएगी, सबसे पहले तो हमारा रिटार्ड फोर्स, इसमें जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, तो आपका जो रिटार्डिंग फोर्स जो होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटार्डिंग फोर्स वो कितना हो जाएगा एम इंटू ए आपका जो है, हमने वाल्व को जैसे जैसे सडनली क्लोज ग्रेजुअली क्लोज स्टार्ट किया तो हमारा क्या हुआ कि फोर्स जो है हमारा जो वो है रिटार्ड होना स्टार्ट हुआ। और मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं ए इंटू एल, और एक्सीलरेशन जो है तो वो जो आपका रिटार्डिंग है जो है रिटार्डेशन वो कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो है यहाँ पे क्या वो हमारा वी है जो मूव कर रहा है, और फाइनली जैसे पूरा का पूरा वॉल्व क्लोज हो जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, तो हमारा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगा वो वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, हमने टाइम लिया है बिकॉज यहाँ पे स्मॉल टी को हमने थिकनेस ले लिया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका जो हो गया रो ए एल वी बाई टी, और उतना ही जो है वहां पे कितना लगेगा प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स लेट कैपिटल पी, बी द प्रेशर, तो यहां से क्या लिख सकते हैं पी को क्या लिखा जाता है जितना फोर्स लग रहा होगा डिवाइडेड बाय एरिया, तो यहां से जो आ जाएगा प्रेशर फोर्स जो हो जाएगा एफ पी इज इक्वल टू पी इन टू ए, अब दोनों को हमने इक्वेट कर दिया उस सेक्शन पे तो क्या हो जाएगा P into A that is equal to, हमने यहाँ पे क्या लिखा है रो ए एल बाई टी, रो ए एल बी बाई कैपिटल टी, सो यहाँ पे जो है आपका क्या A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से A कैंसिल जब हो जाएगा तो क्या बच गया प्रेशर फोर्स जो है, जो प्रेशर जो वहां पे लगेगा वो कितना हो जाएगा रो एल बी डिवाइडेड बाई टी। रिमेंबर इन माइंड दैट कि ये जो फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है, जो प्रेशर वाटर हैमर प्रेशर जो लग रहा है आपका पी जो है वो वाटर हैमर प्रेशर, और रो जो है वो डेंसिटी है, एल जो है सारा चीज हमने लिख दिया, टी जो है हमारा कि टाइम कितना टाइम लगा है क्लोज होने में, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, सडनली नहीं किया गया है। अभी आप देखो कि अगर सडनली होगा तब देखो कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू मान लो कि हमें जीरो है तो प्रेशर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप जनरली यूज्ड, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप, पाइप्स कैन बी क्लासिफाइड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप, वन इज कॉल्ड रिजिड पाइप एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इलास्टिक पाइप। सो इन केस ऑफ रिजिड पाइप द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैन बी कंप्यूटेड एज सी इज इक्वल टू के बाई रो, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ साउंड
वेव, के इज द बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. बट इन केस ऑफ इलास्टिक पाइप, सो इन केस ऑफ इलास्टिक पाइप, स्पीड ऑफ साउंड वेव कैन बी कंप्यूटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ के बाई रो, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस डी बाई टी इंटू के बाई ई टू द पावर हाफ. सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन केस ऑफ इलास्टिक पाइप, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप, टी इज द थिकनेस ऑफ पाइप वॉल, के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, एंड ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ and k rho is the density of fluid. So with the help of this expression we will find the speed of sound wave in case of elastic pipe. Gradual closure किया गया है, gradual closure of valve, तो हमने क्या देखा है कि प्रेशर जो है वाटर हैमर प्रेशर क्या निकाला है हमने, रो एल वी डिवाइडेड बाय टी. और ये जो एप्लीकेबल होगा ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व फोर, या तो ये हमारा जो हो रिजिड पाइप स्लैश इलास्टिक पाइप, दोनों के लिए वैलिड है. इलास्टिक पाइप अगर ग्रेजुअल क्लोजर किया गया है रिजिड पाइप में वॉल्व में जो वॉल्व के द्वारा, या ग्रेजुअल क्लोजर जो हुआ है वो इलास्टिक पाइप में हुआ है, दोनों में जो हमारा वाटर हैमर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो एल वी बाई टी. लेकिन जब सडन क्लोजर होगा, तब प्रेशर की वैल्यू जो है वाटर हैमर प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो केस टू अगर हम लोग डिस्कस करें, केस टू सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व, मतलब क्या हो जाएगा हमारा T की वैल्यू जो है जितना वाल्व को टाइम लगा है बंद होने में वो हमारे क्रिटिकल टाइम से भी कम होगा. इससे कम होगा क्रिटिकल टाइम से. तो ये चेक करना होगा आपको, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो साउंड वेव की आपको स्पीड निकालनी होगी, उसके बाद आपका जो है वहां से आपको टी सी की वैल्यू निकालना होगा 2L/C, और देखना होगा कि, और टाइम आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वाल्व को क्लोज करने में 2.5 सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, और ये देखो टी सी से कंपेयर करो, उससे आप डिसाइड करोगे कि वेदर द क्लोजर जो हुआ है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हुआ है, या तो सडन हो गया है, अचानक किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जब सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व है तो इसमें भी हम लोग सब केस लेंगे. पहला पार्ट, व्हेन पाइप इज इलास्टिक व्हेन पाइप इज रिजिड. जब रिजिड पाइप लिया गया है, तो रिजिड पाइप जब हमने लिया है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा पाइप है, और यहीं पे हमने एक वॉल्व लगा दिया है, लेट अस अज्यूम कि दिस इज हमारा वॉल्व है, और वॉल्व को क्लोज किया गया है, और ये हमारा जो है वो लेंथ है. और जो यहां पे आपका ये जो है आपका डायमीटर ऑफ द पाइप है, this is the diameter of the pipe, tie of pipe. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमने वॉल्व को सडनली क्लोज किया, एक चीज ध्यान में रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक किया कि सडनली क्लोज कैसे हुआ है, तो सडनली क्लोज कब हुआ है, जब हमारा जो टाइम जो वॉल्व को टाइम लगा है यहाँ पे क्लोज होने में, this is our valve. वॉल्व के बारे में जनरली दो तरह का यूज किया जाता है, एक वॉल्व होता है, तो वॉल्व भी यूज किया जाता है सब जगह जो आप देखते होंगे. तो बॉल वॉल्व जो है वो जैसे क्लोज किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है
रिजिड पाइप अगर है, अगर हमने बोल लिया कि दिस इज रिजिड पाइप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि जो हमारा मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल स्पीड जो था वो कितना है, वो वी है, तो आपका है वो मोमेंटम बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ से आप अगर आप, हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एम इंटू बी, और फाइनली तो हमारा जैसे हम क्लोज कर दिए तो जीरो हो गया, तो बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 इंटू एम इंटू बी स्क्वायर, बोलो यहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो होगा कि जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी जो होगा स्टोर्ड होगा इस पाइप में, तो स्ट्रेन एनर्जी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू प्रेशर इंटेंसिटी पी इंटू पी बाई के इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस पाइप का, एरिया इंटू लेंथ, इसके बराबर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी जो है वो पाइप मटेरियल में। तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे, अगर चेंज इन मोमेंटम इन फ्लूइड दैट इज इक्वल टू आपका जो हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी फ्लोइंग फ्लूइड, क्या हो जाएगा फ्लोइंग फ्लूइड, दोनों को इक्वल कर दीजिए, देखिए क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर के इंटू ए इंटू एल, देखो क्या आ रहा है, एक प्रेशर का एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, देखो क्या आ रहा है, वन बाई टू एम बी स्क्वायर, और एम को आप फिर से लिख दो डेंसिटी का टर्म में, एम बी स्क्वायर के बाई ए एल, हाँ तो डेंसिटी के टर्म में लिखिए इसको, देखो क्या आ रहा है, m by rho root under mk by al, जी m by rho root under mk by al, total जो आ रहा है root under mq k बटा में density square al आ रहा है, हमने बोला कि जो momentum है जो वो हमारा क्या है 1/2 into m into b square, that is equal to 1/2 into strain energy जो है वो pressure into pressure by जो है p by k into a into l, तो यहाँ से क्या हो गया आपको, हमने लिखा कि 1/2 मास को भी हमने लिख दिया रो इंटू ए इंटू एल, रो इंटू ए इंटू एल इंटू बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर बाई के इंटू ए इंटू एल, तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो गया और 1/2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया रो बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका हो गया इधर पी स्क्वायर बाई के, तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग के इंटू रो b स्क्वायर, तो यहाँ से p जो हो गया वो कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, तो b बाहर हमने कर दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ रो इंटू के, तो p को क्या लिख सकते हैं v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k बाई रो इंटू रो स्क्वायर, हमने रो को फिर रो रो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया k रो हो गया, अब स्क्वायर रूट ऑफ k बाई रो क्या था आपके लास्ट रिजिड पाइप में स्क्वायर रूट ऑफ k बाई रो जो था वो c था, यहाँ से क्या हो गया आपका, सो इफ आई प्रोसीड फर्दर सो इट कैन बी रिटन एज पी इज इक्वल टू, सो पी कैन बी वाटर हैमर प्रेशर कैन बी रिटन एज, सो इट विल बी पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई रो इंटू रो स्क्वायर, सो पी कैन बी रिटन एज रो इंटू बी स्क्वायर रूट ऑफ के बाई रो, सो इन केस ऑफ रिजिड पाइप, इन केस ऑफ rigid pipe c can be written as c is equal to a square root of k by rho, so the pressure water hammer pressure can be written as rho into v into c, where c is the speed of sound
that is equal to square root of k by rho in case of rigid pipe. And here the v is the average velocity, v is the average velocity of flow, and rho is the density. हमारा इलास्टिक पाइप हो अगर सडन क्लोजर हो तब क्या करेंगे, सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व इन इलास्टिक पाइप, अब सडन क्लोजर जो इलास्टिक पाइप है मतलब कि जो आपका स्ट्रेन एनर्जी जो है यहाँ पे रिजिड था तो जो स्ट्रेन एनर्जी था सिर्फ फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा था, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा कि स्ट्रेन एनर्जी फ्लूइड तो लेगा और सम पार्ट जो है वो इलास्टिक जो इलास्टिक प्रॉपर्टी के पाइप के इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा वो इलास्टिक पाइप में भी होगा। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो हो जाएगा मोमेंटम जो होगा मोमेंटम इन फ्लूइड या वाटर, अगर वाटर फ्लो हो रहा है फ्लूइड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड प्लस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पाइप, इलास्टिक पाइप। अब यहां में मोमेंटम देखा है कितना था, 1/2 इंटू एम इंटू वी माइनस जीरो होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी जो फ्लोइंग फ्लूइड में था 1/2 इंटू प्रेशर इंटेंसिटी पी इंटू पी बाई के इंटू वॉल्यूम ए एल प्लस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप, इलास्टिक पाइप, ये कितना होगा। तो आपने यहीं पे अगर आपने देखा होगा कि ये हमारा पाइप है तो स्ट्रेन एनर्जी जो पाइप का होगा, तो पाइप जो है हमारा कुछ इस तरह का है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा पाइप है, तो इसमें दो तरह का स्ट्रेस लग रहा होगा, एक तो जो लग रहा होगा इसके पेरीफेरी के अलोंग, इसके पेरीफेरी के अलोंग जो लग रहा होगा जिसे बोला जाता है क्या हुप स्ट्रेस, और दूसरा जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जिसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा ये चीज, हुप स्ट्रेस तो आपके पेरीफेरी के अलोंग जो लग रहा है, पेरीफेरी के अलोंग जो लग रहा है दैट इज आपका हुप स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे तो हुप स्ट्रेस का एक्सप्रेशन अगर डायमीटर डी है पाइप का, लेट यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि अगर डायमीटर डी है तो लेट सिग्मा एच बी द हुप स्ट्रेस एंड सिग्मा एल बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो है ये वाला जो वैल्यू जो हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखा जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट इज इक्वल टू 1/2e सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा एल स्क्वायर माइनस 2 न्यू सिग्मा एच इंटू सिग्मा एल। ये आपका फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2e सिग्मा एच हमारा हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग हुप स्ट्रेस लिख दे कितना होता है, जो हुप स्ट्रेस का एक्सप्रेशन अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जानोगे तो वो होता है हुप स्ट्रेस का वैल्यू दैट इज इक्वल टू पी डी बाई टू टी, वेयर पी जो है वो इनसाइड प्रेशर जो है वो लग रहा है जो पाइप में, और डी जो है डायमीटर ऑफ द पाइप, टी जो है वो थिकनेस है। उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है पी डी बाई फोर टी, और न्यू जो है हमारा पॉइजन रेशियो है, पॉइजन रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से अगर हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन पाइप अगर हम लोग निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसके एक्सप्रेशन को अगर रखें तो 1/2e पी ए जो हो जाएगा पी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t² प्लस पी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16t² माइनस 2 न्यू इंटू पी डी बाई 2t एंड पी डी बाई 4t। तो यहां से हो जाएगा 2 न्यू पी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t². अब यहाँ पे जो है वो इस इलास्टिक पाइप में जो पॉइजन रेशियो होता है जनरली जो होता है वो जो होगा इलास्टिक पाइप के लिए, इलास्टिक
पाइप अगर है तो यहाँ पे पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/4। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द पाइप कितना हो गया, सो 1/2E। यहाँ से आपका डेरिवेशन ऐसे तो जरूरी नहीं था, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ कैसे आया ये टर्म, ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 16 टी स्क्वायर माइनस, आप पॉइजन रेशियो की वैल्यू रख दो तो न्यू की वैल्यू जब 1/4 रखोगे तो कितना हो गया 32, और 2 से ये तो हो गया तो 1/16 हो गया, तो पी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 16 टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया पी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 टी स्क्वायर इंटू ई। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, आपको आपको टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा इस पाइप का जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो ये पाइप जो होगा कुछ इस तरह का होगा, तो उसका क्या हो जाएगा कि जो आपका लेंथ जो है वो पाई डी जो हो जाएगा और थिकनेस जो है वो टी है इंटू एल, तो एरिया जो हो जाएगा इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर लिखा जाए, टोटल स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी इन पाइप वो कितना हो जाएगा, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 8 टी स्क्वायर ई इंटू आपका जो होगा वो कितना हो गया, तो पाई इंटू डी इंटू एल इंटू थिकनेस ऑफ द पाइप टी। तो यहाँ से हम लोग अगर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग अगर कॉमन ले ले पी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई जो आपका है यहाँ पे एक तो हम लोग लिख दे 2 टी स्क्वायर ई इंटू हम यहाँ पे 1/4 इंटू पाई इंटू डी इंटू एल इंटू टी, तो यहाँ से पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर को हम लोग एरिया रख सकते हैं, यहाँ से ये वाला वैल्यू जो है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर उसको हमने एरिया रख दिया है, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू, तो वो वाला वैल्यू जो हो गया आपका 1/2E, और ये हमारा हो गया टी से टी कैंसिल हो गया एक टी से, तो क्या बच गया आपका, बच गया पी स्क्वायर इंटू डी इंटू एल टी इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, शायद यही बचा है देखिएगा, इंटू एरिया, अरे यहाँ पे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर को हमने एरिया रख दिया, ये वाला वैल्यू, इस वाले वैल्यू को जो है हमने क्या कर दिया, एरिया रख दिया है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, और एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो 1/2 ही हमने लिख दिया पी स्क्वायर इंटू डी इंटू एल, और इसको एरिया हमने रख दिया है इसको, इस वाले टर्म को एरिया, तो पी स्क्वायर इंटू डी इंटू एल ए डिवाइडेड बाई टी। अब जो है आपका जो जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है, तो चेंज इन मोमेंटम जो अब यहाँ पे इक्वेशन जो हमने लिखा है क्या, मोमेंटम जो होगा वो फ्लूड में दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लोइंग फ्लूड प्लस पाइप, तो पाइप का हमने स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रो इंटू ए एल इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर बाई के इंटू ए इंटू एल प्लस 1/2, यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाला है 1/2 इंटू पी स्क्वायर इंटू एल इंटू डी इंटू ए, या पी स्क्वायर इंटू डी इंटू ए एल डिवाइडेड बाई सॉरी 2 तो नहीं है, 2 पहले ही लिख दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा टी इंटू ई, ये वाला वैल्यू जो हो गया वो टी इंटू ई। अब देखो 1/2 सब में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ए एल भी सब में है तो वो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए एल कैंसिल, तो पी स्क्वायर बाई के प्लस 1/2 इंटू ए एल कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया पी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई टी इंटू ई, तो यहां से क्या हो गया कि आपका रो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1/k प्लस डी बाई टी इंटू ई, तो यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/k प्लस डी बाई टी इंटू ई, तो यहां से पी की वैल्यू जो हो गई पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V तो बाहर आ गया, तो V इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रो डिवाइडेड बाई आपका ये टर्म जो है वो कितना है 1/k प्लस डी बाई टी इंटू।
तो ये प्रेशर होगा वाटर हैमर प्रेशर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वाटर हैमर प्रेशर, वाटर हैमर प्रेशर इन इलास्टिक पाइप, इलास्टिक पाइप। और एक चीज याद रहे कि क्या है हमारा, सडन क्लोजर, सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व। हमारा जो है वो वॉल्व को जो क्लोज किया गया है वो सडनली किया गया है,